छह ग्यारहवीं इतिहास इस्लाम का उदय और इस्लाम के विस्तार के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। अभी तक अरब में इस्लाम का जो विकास हुआ उसके बारे में बताया मैंने आपको, पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा के बारे में बताया, इस्लाम के जो प्रमुख सिद्धांत थे उनके बारे में मैं आपको बतला चुका हूँ। आगे मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ इस्लाम के पांच जो प्रमुख कर्तव्य हैं उनके बारे में समझाने जा रहा हूँ। इस्लाम के जो पांच प्रमुख कर्तव्य हैं कौन कौन से हैं मैं आपको बतला रहा हूँ। पैगंबर मोहम्मद ने अपने अनुयायियों अर्थात मुसलमानों के लिए कुछ कर्तव्य भी निर्धारित किए हैं। पहला है जो बहुत जरूरी होते हैं इस्लाम में, उसके बारे में पैगंबर मोहम्मद ने बतलाया है। पहला है कलमा पढ़ना। प्रत्येक मुसलमान को अल्लाह तथा उसके पैगंबर में पूर्ण आस्था व्यक्त करनी चाहिए। इसको उन्होंने कलमा ए तौहीद बताया है। कलमे का अर्थ है अल्लाह एक है, मोहम्मद उसका अंतिम पैगंबर है। दूसरा है नमाज पढ़ना। प्रत्येक मुसलमान को दिन में पांच बार नमाज पढ़नी चाहिए तथा जुम्मे के दिन जुम्मा शुक्रवार का दिन होता है तो शुक्रवार के दिन यानी जुम्मे के दिन सामूहिक रूप से मस्जिद में नमाज पढ़नी चाहिए। तीसरा है रोजा रखना। प्रत्येक मुसलमान का रमजान के पवित्र महीने में रोजा, रोजा का मतलब होता है उपवास, रखना चाहिए। रोजा के दौरान सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक कुछ भी खाना पीना वर्जित रहता है। चौथा है जकात। प्रत्येक मुसलमान को अपनी आय का 25% निर्धनों को दान में देना उसका फर्ज है। जकात से मुसलमान का जीवन पवित्र होता है। पांचवा है हज करना। सच्चे मुसलमानों का अंतिम कर्तव्य हज करना बताया गया है। इसके प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार मक्का मदीना की पवित्र यात्रा पर आवश्यक रूप से जाना चाहिए। खलीफाओं का शासन क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। क्या है पैगंबर मोहम्मद के देहांत के बाद कोई भी व्यक्ति वैध रूप से इस्लाम का अगला पैगंबर होने का दावा नहीं
कर सकता था। इसलिए उत्तराधिकार के किसी सुस्थापित सिद्धांत के अभाव में उनकी राजनीतिक सत्ता उम्मा को हस्तांतरित कर दी गई। चूंकि पैगंबर मोहम्मद ने अपने जीवन काल में अपना कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था, अतः उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर मुसलमानों में मतभेद उत्पन्न होना स्वाभाविक था। इससे नवाचारों के लिए अवसर उत्पन्न हुए। उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर मुसलमानों में उत्पन्न हुए गंभीर मतभेदों के परिणाम स्वरूप मुसलमानों का एक दल पैगंबर मोहम्मद के अत्यंत करीबी प्रेमित अबू बकर को तथा दूसरा दल उनके दामाद अली को उनका उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। अतः मुसलमानों ने अबू बकर को खलीफा के रूप में चुन लिया। खलीफा शब्द अरबी भाषा खलफ से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ योग पुत्र। इस्लाम के संदर्भ में खलीफा का तात्पर्य उत्तराधिकारी से है। इस प्रकार पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के उपरांत जनित परिस्थितियों वश सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवपरिवर्तन खिलाफत की संस्था के निर्माण के रूप में सामने आया, जिसके समुदाय का नेता अमीर अल मोमिन पैगंबर का प्रतिनिधि खलीफा बन गया। खिलाफत के दो प्रमुख उद्देश्य थे। पहला है उन कबीलों पर नियंत्रण स्थापित करना जिनसे मिलकर उम्मा का गठन हुआ। दूसरा है राज के विभिन्न संसाधनों को जुटाना। मोहम्मद साहब के देहांत के उपरांत चार खलीफाओं अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ने पैगंबर के साथ अपने नजदीकी संबंधों के आधार पर अपनी शक्तियों का औचित्य स्थापित किया। इसके साथ ही उन्होंने पैगंबर मोहम्मद द्वारा दिए गए मार्ग निर्देशों का अनुसरण करते हुए उनके कार्य को जारी रखा। पहला है अबू बकर 632 ईस्वी से 634 ईस्वी तक। अबू बकर पैगंबर मोहम्मद के विश्वस्त निकटतम सहयोगी और मित्र के रूप में माने जाते थे। 632 ईस्वी में उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी के रूप में खलीफा पद पर निर्वाचित किया। जब अबू बकर ने सत्ता ग्रहण की उस समय नवगठित राज विखंडन के कागार पर था, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद के देहांत के बाद अनेक कबीलों ने स्वयं को इस्लामी राष्ट्र से अलग कर लिया था। अतः अबू बकर के लिए यह आवश्यक था कि वह विद्रोही कबीलों पर पुनः नियंत्रण स्थापित करे। अबू बकर ने विद्रोही कबीलों पर पुनः नियंत्रण स्थापित करने के लिए अनेक अभियान आयोजित किए। इन अभियानों को रिद्दा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। अबू बकर ने सैन्य अभियानों के माध्यम से विद्रोहों का दमन किया और अपना वर्चस्व स्थापित किया। दूसरा है उमर 634 ईस्वी से 644 ईस्वी तक। उमर का जो खलीफा रहे वह 634 से 644 ईस्वी तक उमर खलीफा रहे।
अबू बकर के उपरांत उमर को खलीफा चुना गया। उमर पैगंबर मोहम्मद के परिवार से संबंधित योग्य व्यक्ति थे। उमर को खलीफा पद पर कार्य करने को 10 वर्ष मिले। इस 10 वर्ष की अवधि में उन्होंने खलीफा पद की प्रतिष्ठा में पर्याप्त वृद्धि की और इस्लाम को साम्राज्य को काफी विस्तृत किया। खलीफा उमर ने अपने कार्यकाल में मुसलमानों की एक विशाल सेना का संगठन खड़ा किया। उन्होंने साम्राज्य विस्तार के साथ साथ इस्लाम के प्रसार प्रचार का कार्य भी किया। उन्होंने 637 ईस्वी से 642 ईस्वी के मध्य 3 सफल सैन्य अभियान आयोजित करके सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र पर मदीना का नियंत्रण स्थापित कर दिया था। उमर की सेना जिन देशों को विजित करती थी उन देशों के निवासियों को मुसलमान बना लेती थी। उमर ने नवीन विजित देशों की शासन व्यवस्था के लिए अमीरों गवर्नरों की नियुक्ति कर वहां की प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाकर अपनी स्थिति को मजबूत किया। इससे स्पष्ट होता है कि खलीफा उमर ने इस्लाम के प्रसार प्रचार में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की थी। वह अरब साम्राज्य के वास्तविक निर्माता थे। उनके नेतृत्व में अरब का एकीकरण हुआ और अरब के बाहर भी इस्लाम साम्राज्य का व्यापक विस्तार हुआ। 644 ईस्वी में किसी व्यक्तिगत शत्रु ने इस योग खलीफा की हत्या कर दी। तीसरा है उस्मान। इनका जो शासनकाल था 644 ईस्वी से 656 ईस्वी तक। खलीफा उमर जो बहुत प्रतिभाशाली थे और उनके कार्यकाल में जो इस्लाम का प्रचार हुआ, इस्लाम का जो प्रसार हुआ बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ और व्यापक हुआ। उत्थान खलीफा उमर ने अपने उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए 6 चयनकर्ताओं की एक परिषद बनाई थी। नियमानुसार परिषद के सदस्य स्वयं में से किसी को खलीफा के पद के लिए चुन सकते थे। खलीफा उमर की मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों ने उस्मान को उमर का उत्तराधिकारी चुन लिया। खलीफा उस्मान मुजाहिरुन थे। वह कुरैश कबीलों से संबंधित थे। इस प्रकार उस्मान अरब साम्राज्य के तीसरे खलीफा बने। उन्होंने लगभग 12 वर्ष तक शासन किया। इस 12 वर्ष की अवधि में उन्होंने मुस्लिम साम्राज्य का पर्याप्त विस्तार किया। उन्होंने अपना नियंत्रण मध्य एशिया तक विस्तृत करने के लिए अनेक सैन्य अभियानों का आयोजन किया, जिसके परिणाम स्वरूप पैगंबर मोहम्मद के देहांत के एक दशक के अंदर ही अरब इस्लामी राज का नील और आक्साश के मध्यवर्ती विशाल भू क्षेत्र
क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित हो गया। ये क्षेत्र आज भी मुस्लिम शासन के अंतर्गत है। चौथे जो खलीफा थे अली, इनका जो शासन काल था 656 ईस्वी से 661 ईस्वी तक। 656 ईस्वी में खलीफा उस्मान की मृत्यु के उपरांत अली को खलीफा नियुक्त किया गया। अली पैगंबर मोहम्मद के भतीजे तथा दामाद थे। जिस समय अली खलीफा की गद्दी पर आसीन हुए, उस समय साम्राज्य में चारों ओर घोर अर्थव्यवस्था और अशांति का माहौल था। उनके समक्ष अनेक समस्याएं विकराल रूप से खड़ी थी। उनके अनेक साथी उनके विरोध में खड़े थे। सीरिया के गवर्नर मुआविया खलीफा उत्थान के नातेदार ने एक खलीफा के रूप में उनकी सत्ता को स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त पैगंबर मोहम्मद की बेगम आयशा ने भी खलीफा अली पर उस्मान की हत्या का बदला लेने का आरोप लगाते हुए उनकी सत्ता को चुनौती दी। मैंने आपको इस्लाम के जो कर्तव्य होते हैं उसके बारे में आपको बतलाया, और जो खलीफा होते हैं उनके बारे में आपको बतलाया। आप लोग आगे इसको पढ़ाई करिए अच्छे से, और कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं।